हाय गाइस, मैं रेक्सा। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को मेरे साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाने वाला हूं। आप और मैं जाएंगे वनी में स्थित माता सप्तशृंगी देवी के मंदिर में, जो कि महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। तो बेसिकली हम अभी नासिक पहुँच चुके हैं और नासिक से 1.5 घंटा आगे, 1.5 या 2 आवर्स ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए, 2 आवर्स अवे है ये देवी का मंदिर। तो मैं नासिक में आ चुका, अभी 11 बज रहे, हम 1 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। अभी खाना खाने के लिए हॉल्ट कर रहे हैं। मैं कल सुबह ही प्रॉब्ली दर्शन करूंगा, अभी तो हम जाके रेस्ट करेंगे। सो गाइस, ये है सप्तशृंगी देवी का मंदिर। मैंने सोचा रात का एक व्यू आप लोगों को दिखा दूं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ सप्तशृंगी मंदिर का। ये देखिए, थोड़ा जूम इन करते हैं। और आज संडे है बाय द वे, तो सारे भक्त आ रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। माता जी का एंट्रेंस ये रहा, सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट। और ये आई गेस ये सबसे पहली पायरी जो होती है वो है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पाँव पड़ेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे गढ़। श्री महिषासुर मंदिर है, यहाँ पे महिषासुर राक्षस का वध हुआ था, और फिर तब कहते हैं कि उसके बाद देवी ऊपर वहाँ डोंगर में आराम करने गई थी। ये आज की पूरी क्लैन है, ये श्रद्धा है। हाय श्रद्धा। ईरा से हेलो, दैट इज हेनिल जीजू, एंड दैट्स योगिता, दिस इज मंदार। वेल जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस इज कर्तव्य एंड एन इन्फ्लुएंसर। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो गाइस, सप्तशृंगी मंदिर में राम जी का भी मंदिर है। जय श्री राम। जब प्रभु और श्री राम जी यहाँ पे नासिक पंचवटी में वनवास के लिए थे, तब ऐसे कहा जाता है कि वो माता के दर्शन के लिए आते थे, इसलिए उनके स्मरण में। अच्छा अच्छा, वाह वाह, यहाँ पे लवली लवली सुपर। और मार्कंड ऋषि का पर्वत भी यहाँ से आपको दिखेगा। गेस वहाँ पे बैठ के देवी की तपस्या कर रहे थे, एंड देवी बहुत प्रसन्न हो गई थी। मजा आया, मजा आया। साड़ी में फर्स्ट टाइम चढ़ रही होगी ना? नहीं। कैसा था दर्शन? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लवली। अभी पैर दुख रहे। सेम, लोग स्टेकेज से भी जा सकते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, और एल्स यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटा सा कैफेटेरिया है, जहाँ पे आप लोग आके खाना खाओगे। मैं भी थोड़ा सा खाना खाने वाला हूँ, बहुत भूख लगी है। सुबह हम डायरेक्टली दर्शन करने गए, कुछ खाया नहीं। ये देखिए गाइस, नाश्ते में भटूरा और छोला मंगाया है, बहुत टेस्टी होता है ये। हम जब जब यहाँ पे आते हैं हम लोग खा के ही जाते हैं। और ये देखिए द क्विंटेसेंशियल जीजू, कितना अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू। और ब्रेकफास्ट में ये 2 छोटे छोटे लड्डू भी है। ये देखिए ऐसे रोपवे जाता है गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। रात को आते समय गाइस मैं व्यू नहीं दिखा पाया था आपको, पर ये देखिए कितना सुंदर है। मैं आप सभी लोगों को अभी सप्तशृंगी देवी की स्टोरी बताऊंगा, इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, जितना मुझे समझ है उस स्टोरी की उतनी बताऊंगा तुरंत ही। तो हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक राक्षस था, जो लॉर्ड ब्रह्मा को बहुत ही ज़्यादा वर्शिप करता था, और तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को एकदम उनका दिल जीत लिया। और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें जल वायु आग अग्नि, जल वायु अग्नि, तुम्हारी मौत इन तीनों से नहीं होगी, तुम अमर हो जाओगे। और उन्हें वरदान दिया कि कोई भी तुम्हें मार नहीं पाएगा, कोई भी शक्ति तुम्हें मार नहीं पाएगी। ऑब्वियसली जब महिषासुर ने उस शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाया, वो पूरे ब्रह्मांड में उसने केओस मचा दिया था। और जितने भी ऋषि मुनि लोग थे वो सारे सभी लोग भोलेनाथ जी के पास गए कि भोलेनाथ जी बताइए, आप ही उपाय बताएं, हम क्या करें, ये महिषासुर तो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम क्या करें। भोले बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं मार पाऊंगा इसे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया है। स्त्री वाला वरदान नहीं मिला था तो स्त्री उन्हें मार पाती। तो शंकर भगवान जी ने ऐसा सजेस्ट किया कि तुम सब लोग मिलकर पार्वती जी का एक रूप पैदा करो। तो सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, और फिर जिस अग्नि में वो तपस्या कर रहे थे एक लड़की ने उसमें जंप मारा। जैसे ही उस लड़की ने उस अग्नि में जंप मारा,
एक देवी प्रकट हुई जिसके 18 हाथ थे। तो सारे भगवानों ने उस टाइम में देवी को एक एक शस्त्र दिया उनके हाथ में। उनका तेज ही अलग था, बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने महिषासुर का वहीं वध कर दिया उसी डोंगर में। महिषासुर को मारने के बाद वो डोंगर में जाके विराजमान हो गई थी, वहाँ पहाड़ में जाके बैठ के आराम कर रही थी। ऐसी स्टोरी है, थोड़ी समझ आई होगी। अगर ज़्यादा ही जानना है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको समझ आएगा। बट ये इतना मुझे पता है, ये जो पर्टिकुलर रूप आपने देवी का आज देखा है, ये उनका मूल रूप है। सिंदूर लगा के माता जी का श्रृंगार किया जाता था हर रोज। 1100 किलो सिंदूर को उन्होंने ब्रेक किया है, लाइक निकाला है देवी के मूर्ति से, तब जाके ये मूल रूप हमें देखने मिला है। तो यही एक्चुअली देवी का रियल रूप है। बट इतने सालों से हम दूसरे रूप को भी पूज रहे थे। गाभारे में आप जैसे ही पहुंचोगे एक अलग ही शक्ति आपको महसूस होगी। कि मैं फिलहाल सूरत में हूँ और हम लोग हेमिल के घर में गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग में गया, तो भी थोड़ा सा मुँह हाथ धो दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ पे होलिका जल रही है। थोड़ा सा पाँव पड़ लिया मैंने वहाँ पर भी, और वहाँ पे कह दिया कि कुछ भी मेरे ऊपर होगा उसे निकाल देना और होली में जला देना, किसी की भी बुरी नज़र हो मुझ पर उसे जला कर राख कर देना। मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ अभी रात में, क्योंकि मुझे अगले दिन भी ट्रैवल करना है। मैं और एक एक्साइटिंग स्पॉट में जाने वाला हूँ एंड ऑब्वियसली मैं आप सभी को लेके जाऊँगा मेरे साथ। यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि होली है, इनफैक्ट नहीं तो मुंबई में तो कितना आवाज़ होता है। इस देवी का दर्शन अगर आपका मेरे जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस मूल रूप का दर्शन इस ब्लॉग के माध्यम से, तो कमेंट्स में जय सप्तशृंगी लिखना ज़रूर। और मैं माता जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं इच्छाएं वो पूरी करें। चलिए तो मैं चलता हूँ। फॉर मोर ऑफ माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट्स और व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अंटिल आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।